इज द मॉम क्या सब दरवाजा लॉक अदर वन एंड गाइस ये ना कोडरमा में भाई एलिवेटर लगना चाहिए भाई जितने भी अदर वन आई पॉप तो आज हम लोग यहीं पे बैठने वाले लग रहा देख रहे सब के सब दरवाजा लॉक बड़ा मुश्किल के बाद एक दुकान मिला था मेरे को लेकिन वहाँ दुकानदार एक भी नहीं है नो डब्बू हाथ तो लग रहा है पानी पी के रोजा रखना पड़ेगा आपको बहुत अफसोस का बात है वाकई में देख रहे दूर दूर तक दुकान ही नहीं है एकदम आगे इधर पड़ा हम लोग आ गए एसी का हवा खाने के लिए सिटी मार्ट गाइस हम बॉडी आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो अभी बोले तो लास्ट शब कदर है गाइस एंड आज जागना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट तो भाई साहब बहुत लेट कर दिए हम ऑलरेडी बोले तो लेट में जा रहे गाइस बस अरे आवाज़ आ रहा मस्जिद से मस्जिद से पता है क्या बोले तो सलातो सलाम ऑलमोस्ट कम्प्लीट था और दुआ हो रहा था लास्ट टाइम में जब हम गए थे उसके बाद फिर दुआ में शामिल हूँ उसके बाद हम अपना नमाज पढ़े नमाज सलात तस्बीह वगैरह वगैरह फाइनली आज ऑलमोस्ट 29 रमज़ान मतलब हम लोग के बीच से निकल रहा भाई एंड अभी ना गाइस आज बहुत सारा काम है एंड हो सकता है आज पता नहीं अभी नहीं बताऊँगा लेकिन आज कुछ शॉपिंग बाकी है बोले तो बहन का जूती एंड अपना पैजामा एंड मतलब इमरान का टी शर्ट वगैरह बहुत कुछ बाकी है भाई लेना सदुल्ला का बैग वगैरह तो भाई कम टाइम में बहुत कुछ करना है गाइस एंड हमारा काम भी हमसे पीछा नहीं छोड़ता बिल्कुल भी नहीं छोड़ता भाई जहाँ जहाँ तक टू 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 फोन हाँ हाँ भैया किधर है हाँ व्हाट इज दिस यार बट कोई नहीं सबको मैनेज करते हुए इंशाल्लाह आज बोले तो दो रमज़ान रह गए हमारे लिए दुआ करना भाई प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड अल्लाह पाक हमारी तमाम खताएँ तमाम गुनाहों को माफ़ करे भाई बस वी आर रेडी टू गो एंड भाई मेरे को ना एक सिंपल चाहिए था भाई वो चीज़ें कहाँ मिलेगा न्यू मार्केट धमतल्ला इस प्लानेट पता नहीं तो वो रहा ना कि हम कचरा को ना हाथ में लेके फेंक रहे बिकॉज भाई प्लास्टिक के ही नहीं मिल रहा मेरे को देख रहे हो चप्पल को ना अभी ख़राब होना था देख रहे हो भाई पूरा एकदम पूरा का पूरा निकल गया भाई एक तरफ का तो मोची वाले भैया क्या है ना तो ये दुकान शिफ्ट कर रहे उधर से वहाँ पर एक्चुअली उनका दुकान था अभी अच्छा से एकदम तगड़ा टाइप से मार दीजिए एंड अभी ना उसके बाद जाके बाल वाल भी बनाना पड़ेगा भाई बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया भाई मतलब सलून वाला को बोल के आया हूँ नंबर लगवा के आया हूँ भाई घर से फुर्सत मिल जाए तब तो देख रहे गाइस फाइनली आ गए भाई सब्जी मोड़ फॉर बाइंग अफ्तारी एंड ड्यूरिंग हलीम पहले चलेंगे बड़े अबू की दुकान पर शाही दरबार एंड फाइनली आ गए शाही दरबार में भाई लास्ट दिन में मार्केट में तरबूज ही नहीं मिल रहा गाइस कहीं भी बोले तो कच्चा कच्चा वाला तरबूज मिल रहा देख रहे हो मतलब वहाँ पे भी खाली कच्चा ही तरबूज पड़ा हुआ तेरे आने से दिल खुश हुआ था और सोके इबादत पढ़ा था आ गया हम का तारी सामने रखा है तारी ये नया वाला तो पंच नया बना है फाइनली बट हम लोग आ गए भाई न्यू मार्केट फॉर शॉपिंग एंड लास्ट शॉपिंग हमारा हम ले गए अपने हैंडसम सक्यू पैसे नहीं है तो चुरा लो डर है तुम इस बार ना मेरे को तीन धारी में दुकान दिख रहा भाई मिसरी गली में तीन रोड पे भी लगाए हुए हैं अलग से एकदम अलग देखने को मिल रहा भाई इस बार देख रहा मतलब तीन टाइप का रोड दुकान लगा हुआ है यहाँ पे गाइस औरतों का तो कहना नहीं भाई मेहंदी लगा लगा के मैं मार्केट कर रही हूँ भाई लोग के बाद गाइस हम लोग आ गए एसी का हवा खाने के लिए सिटी मार्ट इतना क्राउड भाई साहब क्या भाई यहाँ पे देख रहे हो कुछ भी लोग हैं जो परचेज कर रहे हैं सब लोग एसी का हवा खाने लाइक मी एंड ये ना धमतल्ला में मेरे को 250 में दिखा था इमरोज जो पेन के वही वाला यहाँ पे 500 कुछ में 599 में एंड गाइस हम फोकट में ना बोले तो एक लेके चले हैं पब्लिक को शोक दिखाने के लिए भाई कि एक तो हम कम से कम चेंज तो कर रहे ना लेने की कोशिश कर गाइस मुबारक हो तो फाइनली ये ले लिया भाई ए माँ बहुत हार्ड रोल मस्त एकदम कितना में पड़ा एक नंबर कितना
बता दे कितना पड़ा? 28,500 में भाई देख रहे हो कितना जबरदस्त वाला कंडीशन में गाड़ी मिला भाई। एक्चुअली तेरा ऊपर ये गाड़ी सूट भी कर रहा है, माशाल्लाह बहुत तगड़ा वाला गाड़ी है। एंड फाइनली गाइस अब हम निकल गए भाई सियालदह स्टेशन के लिए और छोटे भी ऑलरेडी निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था गाइस। न्यू मार्केट से निकलने में इतना लेट, अब जब आप खोजोगे ना भाई बस का इंतज़ार करोगे तो बस नहीं आएगा गाइस। देख रहे हो लोग, सब लोग वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं उसमें से। इस ऑलरेडी 10:24 हो गए भाई, 10:45 में हमारा गाड़ी है और छोटे अबू ना गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, तो पता नहीं शायद मिल पाएगा नहीं मिले, बहुत ज़्यादा बोले तो बस में भी इतना ही क्राउड, हमको इस सियालदह से पहले उतरना पड़ेगा भाई एंड पैदल नीचे 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 मेरे को स्टेशन जाना पड़ेगा अभी। क्या क्राउड है गाइस, अभी मात्र मेरे पास 15 मिनट है एंड 15 मिनट में ना टिकट काउंटर से मेरे को टिकट भी लेना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर ट्रेन के ऊपर बैठना भी पड़ेगा। ओ भाई साहब क्राउड गाइस, इतना लोगों के बाद भाई हमारा नंबर है, देख रहे हो मात्र मेरे पास अभी 10:32 हो रहे, 45 में गाड़ी है हमारा। एक्चुअली ना अचानक प्लानिंग करने से ही प्रॉब्लम होता है, वो तो छोटे वो हैं, थोड़ा सहारा है, हल्का है, अगर टाइम पे मेरे को टिकट मिल जाएगा तो भाई उनके स्लीपर पे हम जाके बैठ जाएंगे। गाइस फाइनली एंड गाइस फाइनली हम टिकट लेंगे भाई, 5 मिनट पहले ना आ गए भाई यहाँ पे। अब देखना है छोटे अबू का बोले तो बॉगी नंबर S3, वेयर इज द S3। 5 मिनट बचे हैं गाइस, जस्ट ओनली 5 मिनट एंड हम भाई अराइव करने वाले हैं मुंबई सियालदह अजमेर एंड ये रहा S2, यू कैन सी इज हेयर, और वो वाला आगे वाला S3 होने वाला है एंड ये S3 गाइस। और यहाँ हमारा छोटा भाई फाइनली भाई, कितना मिनट बाकी है? 4 मिनट बाकी है एंड हम ऑन द वे ट्रेन के भाई, इतना मतलब चल के ना बोले तो 7 बजे अवतार के बाद चलना स्टार्ट हो गई, अभी जाके स्थिर से हम बैठे हैं तो फाइनली हम S2 में घुस गए थे और छोटे भाई S3 में, तो फाइनली हम लोग मिल गए भाई एंड अब जो जर्नी होने वाला है ना एडोरेबल वाला, थोड़ा रिलैक्स ले लेते हैं। चलने से पहले ना 2 बोतल पानी ले ले रहे भाई। हमारा सियालदह अजमेर एक्सप्रेस निकल गया भाई हावड़ा स्टेशन से, यू कैन सी दिस एंड ना क्या बोले तो मत्थे मराते वगैरह जो ना बोले तो इतने जल्दी में हर चीज़ हुआ ना, क्या बताऊँ मैं आपको। फाइनली बिस्किट अभी ले रहे थे ना तो बिस्किट लिए, वो बोला खुल्ला दो, खुल्ला निकालने लगे इतने में मेरा गाड़ी निकल गया था, बिस्किट भी छोड़ देते भाई। और लग रहा ना आज मेरे को फाइन दे के जाना पड़ेगा TT को, क्योंकि TT चढ़ता है भाई सियालदह अजमेर, इस वजह से मेरे को ऐसा फील हो रहा भाई, ट्रेक हो सकता है मेरा पैसा बच गया भाई। सफ़र का मतलब यही हुआ गाइस, देख रहे हो छोटे अबू बोले तो उधर से बिरयानी लेकर आए थे भाई, ताज स्पेशल बिरयानी देख सकते हो यहाँ पे, ताज स्पेशल बिरयानी इतना हेवी वाला भूख लगा हुआ था, इतना हेवी वाला क्या बताऊँ। फाइनली अब भूख मिटने वाला है तो सफ़र का आगाज़ यहाँ से स्टार्ट, हमारा ट्रेन ऑन द वे है भाई। फाइनली गाइस अब जाके ना शिकम शेर हुआ भाई, मतलब इतना भूख हेवी वाला लग, आफ्टर अफ्तारी ना कुछ भी नहीं खाए थे भाई। फाइनली अब जाके मतलब रिलैक्स हुआ, अब ना चुपकी से एक सीट खा ली है, चपनी से जाके सो जाएंगे, जब TT आएगा तब कुछ देखा जाएगा, पानी तो मेरे को लग रहा है कि देना ही पड़ेगा गाइस। एंड गाइस अभी बर्धवान जंक्शन पर हम लोग लैंड किए हैं, बोले तो लैंड किए हैं, अभी तक TT आया नहीं, अपने को बिस्किट लेना था, छोटे अबू बोले थे बिस्किट लेने के लिए, लेकिन लेकिन ट्रेन मतलब 5 मिनट के अंदर ही निकल गया भाई, देख रहे हो आज का शहरी कैसे होगा, हाउ पॉसिबल, देख रहे हो कहीं भी बोले तो दुकानें नहीं दिख रही भाई, दुर्गापुर है लेकिन कहीं भी दुकानें नहीं दिख रही, पूरा सन्नाटा पूरा दुर्गापुर भाई, समझ गया भाई आज ना हम लोगों को शहरी मिलने वाला है, मिला भी तो सिर्फ चाय, जस्ट छोटा बुध वो चाय पी के आज रोजा रखने वाले हैं गाइस। गाइस इत्तफाक से एक दुकान भी मिला लेकिन दुकानदार नहीं है भाई, देख रहे हो एक भी दुकानदार नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, दुकानदार नहीं है इधर, दुकानदार नहीं है, छोटे छोटे वहाँ से देख रहे भाई दुकानदार ही नहीं है यहाँ, देख रहे हो
बड़ा मुश्किल के बाद एक दुकान मिला था मेरे को, लेकिन वहाँ दुकानदार एक भी नहीं है। जो डब्बू हाथ तो लग रहा है पानी पी के रोजा रखना पड़ेगा आपको। बहुत अफसोस का बात है वाकई में। देख रहे दूर दूर तक दुकान ही नहीं है, एकदम आगे इधर व्हाट इज दिस, जागा 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 है क्या भैया? सो रहे थे। अब मेरे को भाई इंतजार के बाद भाई फाइनली ये चीजें मिल गया गाइस। सो डब्बू एंड गाइस जस्ट ओनली 5 मिनट बाद भाई हम कोडरमा लैंड कर जाएंगे। सो डब्बू अपना बैग लाइक से जो भी तकिया वगैरह था सब हमारा, ये भी चार्ज हो गया, फ़ोन भी चार्ज हो गया भाई। इतफाक की बात अभी ये चीज़ें ना मैं नीचे जाके बताने वाला हूँ, एक सीक्रेट चीज़ ठीक है ना। तो बस हम इसको भी रख दे रहे भाई, पैक कर दे रहे गाइस। एंड गाइस ये ना कोडरमा में भाई एलिवेटर लगना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो यहाँ पे एलिवेटर नहीं है ना, किस तरह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। एंड फाइनली हम लोग कोडरमा के पुल के ऊपर चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो जा रहा है। बोले तो रोज़ा अभी लग जाएगा, आधा घंटा हुआ रोज़ा रखे हुए, रोज़ा अभी लग रहा है। कुम रहमतुल्ला खैरियत से मैसेज कर रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। एसी से निकल के कैसा फील हो रहा, हाउ इज़ द फील? इत्तफाक की बात है भाई, देख रहे पीछे हमारे आन बान शान मिल गए भाई, मतलब पूरा कोलकाता में खोजने पे नहीं मिलेंगे ये, इसी बोगी में मिल जा रहे। फाइनली हम भाई रजौली बस स्टैंड पे उतर गए गाइस। एंड देख सकते हो अरे बाप लड़का गोरा हो गया। एंड ये रहा था हमारा बस ठीक है ना। एंड मटरू दादा भी हमारे साथ में है माशाल्लाह। सो फाइनली हम लोग पचम्बा की ओर निकल रहे भाई, कारवाने पचम्बा यहाँ से निकल रहा। कुछ लोग ना बहुत सारे लोग जो थे वो पहले निकल गए ठीक है। तो बाय भाई रजौली बस स्टैंड। जैसे ही बोले तो बस पे बैठे ना तो हेवी वाला पेशाब लगा ना गाइस, तो अभी तक दबा के बैठे हुए। फाइनली हम लोग भाई ऑन द वे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेफली तरीके से जा रहे हैं। एंड पापा पता नहीं जाग के होंगे, अपनी पता नहीं जाग के होंगी नहीं होंगी आई डोंट नो भाई, तो वहाँ जाके पता चलेगा गाइस। पहले यहाँ पे ना अपने को पेशाब करने का कुछ मिल जाएगा। हां अरे बाप रे बाप गाइस, कोई स्वागत करने वाला नहीं है। देख रहे हो पूरा घर का, पूरा घर खाली हो गया सिवाय खस्सी के, और कोई स्वागत नहीं कर रहा हम लोगों का। वेयर इज द मॉम? जा सब दरवाजा लॉक। अदर वन जितने भी अदर वन आई पॉप। तो आज हम लोग यहीं पे बैठने वाले लग रहा, देख रहे सब के सब दरवाजा लॉक। लग रहा ना कि आफ्टर शहरी लोग सोए हैं ना, तो कब जागेंगे ये नहीं पता भाई, तब तक तो सब रूम का दरवाज़ा बंद है भाई। तो फिलहाल भाई इधर ही स्टे करेंगे। गाइस फाइनली भाई आ गए हम अपने बिस्तर पे। बोले तो बहुत हेवी वाला नींद, बोले हेवी वाला नींद ना भाई, ठंड भी लग रहा है यहाँ पे, पंखा भी चल रहा है देख रहा ना हल्का हल्का, दानी वाला सिस्टम हुआ यहाँ पे स्टार्ट हो गया भाई। मतलब गाँव में आती मच्छरदानी, ठंड हो गर्म हो बरसात हो कुछ भी मच्छरदानी साथ। मेरे साथ मान नॉन्दी हाफिज शहबाज साहब, यहाँ भी सूरत अभी लग रहा पढ़ा रहे काफ़ी थक जा रहा है, बट कोई नहीं सोने दीजिए आराम करने दीजिए। तो गाइज अब हम भी जा रहे सोने के लिए, उसके बाद फिर मिलते हैं सोने के बाद ठीक है ना। पहले नींद हो जाए उसके बाद भाई दोस्तों वगैरह 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 सबसे मिलना पड़ेगा। सो सही बस बस आप सोने दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।